नमस्कार विद्यार्थियों, पौधदार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और माँ सरस्वती, माँ भगवती की वंदना करते हुए, उनको नमन करते हुए हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको चातुर्थी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। कल हमने बेटा शिक्षण की डेफिनेशन की थी, ठीक है ना। शिक्षण की क्या पढ़ी थी हमने, अंतिम रूप से जो हमारा अंतिम लेक्चर था वो शिक्षण की परिभाषा के तौर पर समाप्त हुआ था, ठीक है। आगे जो हमारा शिक्षण बिंदु बनेगा, शिक्षण अधिगम विषय को लेकर आगे जो हमारा शिक्षण बिंदु बनेगा, आगे जो हमें टॉपिक पढ़ना है, उसका नाम है शिक्षण की विशेषताएँ, ठीक है। अब इसको हम शिक्षण की विशेषताएं भी कह सकते हैं, इसको हम प्रकृति भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, नेचर कहते हैं। और नेचर को का मीनिंग क्या होता है, स्वभाव। दूसरा मीनिंग क्या होता है, स्वभाव, ठीक है। अब इसको समझो आप, शिक्षण की विशेषताएं, प्रकृति और स्वभाव एक ही बात होती है, ठीक है। आती है बात विशेषता है तो हम जनरली समझ जाते हैं क्या क्या होती है विशेषता, किसी की अच्छाइयों को हम विशेषता कहते हैं, इसमें क्या विशेषता होती है, ठीक है। तो प्रकृति भी कहीं ना कहीं उसी को छूती हुई होती है, उसकी प्रकृति कैसी है, क्या खूबियां हैं उस इंसान में, अच्छाई है, बुराई है, क्या है, तो वो भी क्या है, प्रकृति है। वो क्या प्रकृति है, हम कहते हैं ये इंसान किस प्रकृति का है, कैसा स्वभाव है, कैसा नेचर है इसका, ठीक है ना। तो हम उसके जनरली आपने सुना होगा कि किसी से कहते हुए सुना होगा, अरे कैसी प्रकृति का इंसान है ना, कई लोग ऐसे उदासीन होते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है, किसी बातचीत ही नहीं करते हैं, ठीक है ना। कोई कितना ही बात करे फिर भी उनको बात करने का मन नहीं करता, कोई इतना बोलते हैं अरे तो बहुत बोलता है ये, तो किसी को गुस्सा बहुत आता है, कहते अरे कितना गुस्सा करता है ये, तो मीन्स सबका नेचर, सबका स्वभाव अलग अलग होता है। आई बात समझ में, तो ये क्या होती है विशेषताएं, प्रकृति। तो उस चाहे वो वस्तु है, चाहे वो कोई पशु है, चाहे वो मानव है, उसमें उसकी विशेषताएं क्या है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, उसको हम इन तीनों को हम एक ही प्रकार की बातों से जानते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, तो हम पॉइंट टू पॉइंट इनको लिखेंगे और समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। पहला हमारी है पहली जो हमारी विशेषता है वो है शिक्षण एक पहली जो हमारी विशेषता है वो क्या है शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण पूर्ण प्रक्रिया है, ठीक है। अब इस पॉइंट को समझो, मैं आपको यहाँ पे कोई ऐसे नहीं लिखवा सकती हूँ, अब सिंपल अब तक मैंने लिखा है, मैं कहती हूँ एक सीक्वेंस से जब हम चलते हैं, एक क्रम से हम चलते हैं, तो हम जब पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को आसानी से ग्रहण करते हुए चलते हैं, ठीक है। अब इससे वाला जो ज्ञान है, इससे पहले जो हमने पढ़ लिया वो क्या है, हमारा पूर्व ज्ञान है, और उसी के आधार पर जो नए नए शिक्षण बिंदु हमारे सामने आएंगे उन्हीं को छूते हुए आएंगे, और उन्हीं को हम उन्हीं के ज्ञान के आधार पर हम नए बिंदुओं को आसानी से ग्रहण करते हुए चलेंगे। पूर्व ज्ञान जो पहले का ज्ञान है जो हमने अब तक जान लिया, नवीन ज्ञान कौन सा है जिसको हम जानने जा रहे हैं, ठीक है। तो शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, बिल्कुल क्लियर बात है। हम जानते हैं कि शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया कैसे है, समझो एक शिक्षक है क्लास में आता है, किसी उद्देश्य के साथ आता है, क्लियर सी बात है, अपनी विषय वस्तु के साथ कहाँ आता है, कक्षा में आता है, और एक उद्देश्य लेकर आता है कि मेरा जो मैं जो शिक्षण कार्य करवाने जा रहा हूँ, मैं जो विषय वस्तु पढ़ाने जा रहा हूँ वो प्रत्येक बालक को समझ में आनी चाहिए, प्रत्येक बच्चे को मेरी बात समझ में आनी चाहिए, इस उद्देश्य को लेकर वो कक्षा कक्ष में प्रवेश करता है। तो शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया हुई या नहीं हुई, हम कोई भी सिंपल जनरल सी बात है, हम कोई शिक्षण कर रहे थे, मीन्स ये तो अध्यापक की बात हो गई,
ये तो शिक्षक की बात हो गई। अब आपकी बात आती है, आप भी तो शिक्षण किसी उद्देश्य को लेकर ही करते हो। बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य संभव नहीं है, चाहे वो छोटे से छोटा कार्य हो, चाहे वो बड़े से बड़ा कार्य हो। प्रत्येक कार्य के पीछे एक उद्देश्य छुपा हुआ होता है। अब आप भी इसका अध्ययन कर रहे हो मिस, ये जो आप क्यों लेते मेरी क्लास, ठीक है, आप क्यों पढ़ते, ठीक है ना, आप ऑनलाइन क्लास में क्यों शामिल होते, क्यों, क्योंकि आप आपके ये जो पेपर है आपके क्लास में आपके उसमें कक्षा में लगा हुआ है, आपका एक पेपर है और इससे संबंधित क्वेश्चन कहाँ आएंगे, पेपर में आएंगे। तो आपका उद्देश्य क्या है, उस कक्षा को पास करना, उस एग्जाम को पास करना, उसी उद्देश्य को लेकर आप इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हो, अन्यथा आपको कोई आवश्यकता नहीं थी। आई बात समझ में? तो कोई भी कार्य हम जब करते हैं तो उसके पीछे उद्देश्य छुपा हुआ होता है। शिक्षक अगर उद्देश्य शिक्षण करवाता तो उसके पीछे उद्देश्य है कि जो विषय वस्तु पढ़ा रहा है वो बच्चे को समझ में आए और उसका कोर्स टाइम पे हो, ये उद्देश्य उसके साथ होता है। बालक का उद्देश्य उसको आसानी से समझे, ग्रहण करे और एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आए और अपनी क्लास को पास करे। क्लियर। आगे हम चलते हैं, हमारा है दूसरा पॉइंट है शिक्षण एक आमने सामने शिक्षण एक आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है बेटा, अब समझो इसको क्या है। शिक्षण एक आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है। कितनी बार मैंने बताया, एक अध्यापक है, कक्षा में आता है, ठीक है, और बच्चे कहाँ बैठे होते हैं, कक्षा में होते हैं, आमने सामने होते हैं, अध्यापक सामपट पे होता है और विद्यार्थी सामने बैठे हुए होते हैं। तो आमने सामने वाली प्रक्रिया हुई या नहीं हुई, अध्यापक पढ़ाता है और बच्चे सामने से सुनते हैं और समझते हैं। तो शिक्षण कैसे प्रक्रिया हो गई, आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है। जब तक कोई व्यक्ति हमारे सामने नहीं होगा तब तक हम शिक्षण कार्य नहीं कर पाएंगे ठीक प्रकार से। मोस्टली तो ये है, लेकिन ये नहीं कि मान लीजिए हमने किसी का वीडियो देखा, हम सुनकर भी शिक्षण करते हैं, लेकिन मोस्टली जो एक प्रभावी शिक्षण कह लो या अधिक मात्रा में हम शिक्षण कार्य कर पाएंगे या अधिक मात्रा में हम शिक्षित हो पाएंगे, शिक्षण ग्रहण कर पाएंगे या शिक्षण कार्य कर पाएंगे, वो है वो इस दशा में कर पाएंगे कि कोई व्यक्ति हमारे आमने सामने बैठकर हमको किसी भी विषय वस्तु के बारे में पढ़ाए। तो शिक्षण एक आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है। सामने अध्यापक होता है, उसी के सामने विद्यार्थी बैठे हुए होते हैं, शिक्षक अपनी विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करता है और बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तो ये क्या हो गया, शिक्षण एक आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है या नहीं है ना? कितनी बार बता दिया मैंने, समझाया कितनी बार मैंने, कहा है आप कितनी बार बोल रही हूं, पूर्व ज्ञान को ध्यान से, जो हमने पढ़ा दिया उसको ध्यान से सुनो, आगे नवीन ज्ञान आपको आसानी से ग्रहण होता चला जाएगा, आसानी से आगे की बातें आपको समझ में आती जाएंगी। कितनी बातें, हर जो पॉइंट मैंने पीछे समझाया उसी इन सारा यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है, सब प्रकृतियों में, विशेषताओं में, उसके नेचर में हमको दिखाई दे रहा है, बशर्ते हमने उसको ध्यान से सुना हो तब तो आसानी समझ में आएगा। यदि हमने ध्यान से सुना ही नहीं है, पहले क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। हम जानते हैं, हमने सामान्य तौर पर भी पढ़ा है कि शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है, शिक्षक होता है, शिक्षार्थी होता है और पाठ्यक्रम होता है। ठीक है, अब हमने आपको हमने जो पिछली कक्षाएं थी उसमें पढ़ाया था, ये तो सामान्य तौर पर था, लेकिन हमने दो शिक्षा शास्त्री थे उनके अनुसार भी हमने शिक्षण का स्वरूप आपको बताया था। क्या नाम था, याद है या मैं बता दूं, क्या नाम था? जॉन डीवी, और क्या नाम था, एडम्स महोदय। तो कहने का तात्पर्य यह है, जो एडम्स महोदय थे उन्होंने तो
त्रिध्रुवी सॉरी दो द्विध्रुवीय प्रक्रिया बताया था, क्या बताया था, द्विध्रुवीय प्रक्रिया बताया था शिक्षण को, और जो जॉन डीवी हैं उन्होंने त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया था। आ गई होगी बात, याद आ गई होगी पहले हमने क्या क्या पढ़ाया था मैडम, तो आपको तो जो एडम्स महोदय हैं उन्होंने शिक्षण के दो बिंदु बताए थे, शिक्षक और शिक्षार्थी, उसको द्विध्रुवीय कह लो, और जो हमारे जॉन डीवी हैं उन्होंने शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया था, जिसमें शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम या उसको विषय वस्तु भी हम कह सकते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। आगे हमारा है शिक्षण, शिक्षण शिक्षण अंतः प्रक्रिया है, शिक्षण अंतः प्रक्रिया है। अब इसको समझो, शिक्षण क्या है, अंतः प्रक्रिया है। कैसे है शिक्षण अंतः प्रक्रिया, यानी कि अब आप मेरे सामने बैठे हो, मैं बोल रही हूँ, मेरे आप मेरी बात को सुन रहे हो, हमारे बीच क्या हो रही है, अंतः क्रिया हो रही है। जो भी बातचीत मैं बोल रही हूँ आप ग्रहण कर रहे हो, आपकी कोई समस्या आप मुझसे पूछते हो, ठीक है ना, ये ऑनलाइन आप ये समझाने का तरीका ये है, ठीक है ना। अब आप ये अलग बात है कि आप ऑनलाइन पे हो तो मुझसे कुछ नहीं पूछा, लेकिन ऑफलाइन बच्चे सामने बैठे होते हैं और अपनी समस्या को भी टीचर से पूछ सकते हैं, अपनी बात भी रख सकते हो कि हमारे ये समझ में नहीं आया, ये वाला बिंदु समझ में नहीं आया। तो ये क्या है, हमारे बीच बातचीत है, अंतः क्रिया है, मैं मेरी बात आपके पास पहुँचा सकती हूँ और आप अपनी बात मेरे पास पहुँचा सकते हो, इसी को हम क्या कहते हैं, अंतः क्रिया कहते हैं। और इसी अंतः क्रिया के माध्यम से क्या होता है, शिक्षण कार्य किया जाता है, ठीक है। तो शिक्षण कैसा हो गया, अंतः प्रक्रिया हो गई। आगे हम लिखेंगे इसको शिक्षण क्या है, पांचवा जो हमारा बिंदु बनेगा वो बनेगा शिक्षण, शिक्षण औपचारिक, शिक्षण औपचारिक व अनौपचारिक, दोनों प्रकार की, दोनों प्रकार की, प्रकार की प्रक्रिया है, ठीक है बेटा। आप समझ रहे हो गए, आप ये बड़ा घोर संकट आ गया, या क्या आ गया, औपचारिक अनौपचारिक तो मैडम ने हमें बताया भी नहीं। आप मैडम कहती हैं कि पूर्व ज्ञान पर नया ज्ञान आता है, ठीक है, सुनो कोई बात नहीं, आपके लिए एक नया शब्द लग रहा है, लेकिन जब मैं आपको समझाऊंगी तो सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। शिक्षण कैसा है, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की प्रक्रिया है। देखो बेटा, हमने क्या पढ़ा था शुरुआत में, मैंने क्या बताया था आपको, सामान्य अर्थ में क्या बताया था मैंने, कि शिक्षण संकुचित और व्यापक दोनों प्रकार का होता है। सामान्य अर्थ में मैंने आपको सामान्य अर्थ बताया था पहले तो शिक्षण का, उसके बाद शिक्षण के दो स्वरूप आपके सामने रखे थे, कौन से, संकुचित अर्थ में शिक्षण और व्यापक अर्थ में शिक्षण, ठीक है। तो देखो पूर्व ज्ञान हमने पढ़ लिया था, जो हमारा संकुचित शिक्षण है, जो हमारा संकुचित शिक्षण है वो किस में आता है, औपचारिक शिक्षण में आता है। किस में आता है, इसको क्या कहते हैं, शिक्षण औपचारिक व अनौपचारिक दोनों प्रकार की प्रक्रिया है, इसको हम औपचारिक शिक्षण कह सकते हैं, इसको हम अनौपचारिक शिक्षण भी लिख सकते हैं, लिखते हैं, ठीक है ना। तो शिक्षण कैसा है, तो जो हमारा संकुचित शिक्षण है वो क्या है, अनौपचारिक शिक्षण होता है, सॉरी औपचारिक होता है संकुचित वाला तो, और जो हमारा व्यापक शिक्षण है वो अनौपचारिक शिक्षण कहलाता है, ठीक है। आप समझो कैसे, संकुचित में मैंने क्या बताया था, एक चार दीवारी होती है, ठीक है ना, उसका आकार सीमित होता है, आप टाइम पे आते हो, टाइम पे जाते हो, एक विशेष ड्रेस कोड के अंदर आते हो, ठीक है ना, उसके बाद एक विशेष टीचर से अपना विषय वस्तु का अध्ययन करते हो, एक उसकी एक नियम सीमाएं बंधी हुई हैं, आपको समय पे आना है, समय पे जाना है, आपके अटेंडेंस फिक्स है, वो कंप्लीट करनी है आपको, ठीक है ना,
आपको जो टीचर जाके के उसी से आपको पढ़ना है जिस विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, संकुचित शिक्षण है जो चार दीवारी से शुरू होता है और चार दीवारी के अंतर ही खत्म हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, संकुचित शिक्षण कहते हैं। और उसी को ही हम क्या कहते हैं बेटा, अनौपचारिक शिक्षण कहते हैं, जिसमें नियम होते हैं, कानून होते हैं, जिनका हमें पालन करना होता है, एक रेगुलरिटी होती है जिसका हमें पालन करना होता है। आगे है हमारा अनौपचारिक शिक्षण, इसे हम क्या कहते हैं, व्यापक शिक्षण भी कह सकते हैं, या व्यापक शिक्षण को हम अनौपचारिक शिक्षण भी कह सकते हैं। अब आया हमारा पूर्व ज्ञान काम, पहले जो बातें हमने समझी हैं, कहीं सारी बातें कहाँ पे लागू, हमें नवीन ज्ञान को सीखने में मदद कर रही है, नहीं कर रही है, कर रही है ना, ठीक है। तो अनौपचारिक जो शिक्षण है वो कौन सा है, व्यापक है। अब कैसे है समझो, अनौपचारिक में क्या होता है, बच्चा पैदा होता है, ठीक है, परिवार में होता है, पहली प्रथम पाठशाला उसकी कहाँ से स्टार्ट होती है, अपने परिवार से होती है, कहाँ से होती है, 3-4 साल बच्चे, आजकल तो वो अलग बात है कि मॉडर्न जमाना है, बच्चे को 2 साल का 2.5 साल का भेज देते हैं, जाओ स्कूल में सीख लेना कुछ सीखना, अब वो भी हर बात के दो पहलू होते हैं बेटा, बात बनाने के लिए अलग होती है कि जो बच्चे को 2.5 साल का डाल रहा है तो उसके पीछे भी बहुत कारण होते हैं, उसके पीछे भी मजबूरियाँ होती हैं, क्यों, मान लीजिए कोई पीछे से बच्चे को संभालने वाला नहीं है, दोनों उसके माँ बाप दोनों क्या है, सर्विस में है, तो क्या करेंगे, मजबूरन उसको डालेंगे बच्चे को, कि कम से कम वो बच्चा सेफ तो रहेगा, पीछे कोई संभालने वाला नहीं है उसको। तो हर बिंदु के पीछे, हर कार्य के पीछे, कोई भी हम कार्य करते हैं उसके पीछे दो बातें होती हैं, या तो वो अपनी परेशानी के लिए उसको डाल रहे हैं, या किसी मजबूरी बस उसको विद्यालय में डाल रहे हैं, ठीक है ना बेटा। तो अनौपचारिक शिक्षण यानी कि प्रथम कहाँ से स्टार्ट होती है बच्चे की, अपने परिवार से होती है। अब घर में दादा दादी हैं तो उनसे कुछ सीखता है, ठीक है, परिवार एक जॉइंट फैमिली है, उसमें बहुत सारे सदस्य रहते हैं, उन सभी से कुछ ना कुछ उसको सीखने को मिलता है, वहाँ जैसी लैंग्वेज बोली जाती है, जैसा जैसा व्यवहार करते हैं वैसा, जैसा बच्चा भी वैसा ही करता है। तो सबसे पहले जो सामाजिक विकास होता है, सामाजिक कुछ बातें उसको सीखने को मिलती हैं, नॉर्मल सामाजिक जीवन की जो शुरुआत होती है वो नॉर्मल तरीके से परिवार में हो जाती है। उसके बाद बच्चा कहाँ आता है, विद्यालय के अंतर्गत आता है। तो बच्चा कहने का मतलब है कि बच्चे का शिक्षण कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, अपने परिवार से ही प्रारंभ हो जाता है, परिवार में रहता है, फिर आस पड़ोस में खेलता है, बच्चों के छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ मिलता है, अपने बड़े बहन भाई हैं उनके ग्रुप में रहता है, उनसे सीखता है, उसके बाद वो विद्यालय में आता है, विद्यालय अनेक तरह के बच्चे हैं उनसे सीखता है, फिर वो बड़ा होता है, स्कूली जो जीवन है वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद वो कॉलेज में जाता है, उसके बाद जहाँ पे भी अपने अपने रिलेशन में जाता है या समाज में कुछ भी कार्यक्रम होता है उनमें जाता है। तो कहने का तात्पर्य है, जैसा मैंने उसमें बताया था व्यापक शिक्षण में, कि बच्चा जन्म से लेकर जब तक उसका जन्म है, हर वातावरण में जहाँ जहाँ भी वो जाता है उसको कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षण कहते हैं। इसमें कोई उसे डिग्री नहीं मिलती है, इसमें कोई प्रमाण पत्र उसको नहीं मिलता है, ठीक है ना, और बस उसका सामाजिक विकास होता रहता है, उसमें संस्कारों की बढ़ोतरी होती है, उसका उसको सीखने को बहुत अधिक मात्रा में, उसका जो व्यवहारिक ज्ञान है इसी शिक्षण के अंतर्गत अधिक मात्रा में होता है, ठीक है बेटा। उसके बाद है कि आई बात समझ में, अब बात आती है कि दोनों हो गए, औपचारिक हो गया, अनौपचारिक हो गया, दोनों प्रकार की हो गई प्रक्रिया। तो औपचारिक को हम क्या कहेंगे, संकुचित शिक्षण कहेंगे, और अनौपचारिक को क्या कहेंगे, हम व्यापक शिक्षण कहेंगे, ठीक है ना। आगे जो हमारा बिंदु बनेगा वो बनेगा, एक मिनट, आगे जो हमारा बिंदु बनेगा वो है शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया है, ठीक है, शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया है। आप समझो कैसे है तार्किक प्रक्रिया, भाई अध्यापक ने कोई विषय वस्तु पढ़ा दी, कोई शिक्षण बिंदु पढ़ा दिया, यदि बच्चे को कोई बात समझ में नहीं आई तो वो उसके बारे में तर्क वितर्क करता है कि मुझे ये वाला बिंदु यहाँ पर समझ में नहीं आया, मुझे अगेन समझा दिए, दोबारा मुझे बता दिए कि ये प्रक्रिया कैसे संभव होगी, इस कार्य को कैसे किया जाता, जो भी उस शिक्षण बिंदु उसने पढ़ाया है, जो भी विषय वस्तु पढ़ाई है, तो उसमें कोई भी पॉइंट उसे समझ में नहीं आया तो उस पर वो तर्क वितर्क कर सकता है,
और एक शिक्षक भी उस प्रक्रिया को एक तरह की मतलब बोलकर तर्क के माध्यम से उसको समझाता है। इसी कारण इसको क्या कहा गया है? तार्किक प्रक्रिया कहा गया है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो हमारा बिंदु बनेगा वो बनेगा शिक्षण में सुधार वे शिक्षण में सुधार वे विकास संभव है। आई बात समझ में? अध्यापक शिक्षण करवाता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए जिस भी शिक्षण सूत्र का, जिस भी शिक्षण विधियों का वो प्रयोग कर रहा है, जिस भी क्रियाकलाप के साथ वो अपने शिक्षण बिंदुओं को या शिक्षण सामग्री को प्रस्तुत कर रहा है, यदि बच्चे को समझ में नहीं आ रही है, मान लीजिए आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं? 20 बच्चे, ठीक है। अब कक्षा में 20 बच्चे हैं, अध्यापक पढ़ाने गया, जो भी विषय वस्तु उसने पढ़ाई, ठीक है। अब वो मान लीजिए उसमें से 18 बच्चों को समझ में आ रही है और 2 बच्चों को समझ में नहीं आ रही, तो वहाँ पर टीचर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि जो 2% बालक हैं या 2 बालक हैं वो विशिष्ट बालक की श्रेणी में भी आ सकते हैं, उनका कोई अन्य कारण भी हो सकता है कि वो उसको समझ में ना आए। यदि अध्यापक उसमें से मान लीजिए 5 बच्चों को ही समझ में आ रहा है और 15 बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं टीचर के पढ़ाने में कोई गड़बड़ी है या उसका प्रस्तुतिकरण अच्छा नहीं है, या जो वो सब बच्चे को समझा रहा है वो बच्चे को बिल्कुल भी समझ में, या जो बच्चे मोस्ट इंटेलिजेंट है या फिर जिनका अधिक क्षमता रखते हैं सीखने की, उन्होंने तो सीख लिया, लेकिन रेशो हम देखते हैं, एक रेशो के आधार पर हम किसी चीज़ का आकलन करते हैं कि जब अधिक मात्रा में बच्चों को समझ में नहीं आया, कहीं ना कहीं अध्यापक में कमी है कि वो अपना जो विषय वस्तु है उसको समझाने में सक्षम नहीं है। तो आई बात समझ में बेटा? तो इसलिए शिक्षण में सुधार संभव है। अब उसके लिए एक्सपर्ट कमेटी बैठती है कि मान लीजिए अधिक बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं टीचर में गड़बड़ है, तो वो टीचर में सुधार करेंगे, टीचर को बताएंगे भाई आप इन शिक्षण विधियों को प्रयोग करो, इन शिक्षण सूत्रों को इस तरह से पढ़ाओ, फिर भी नहीं आता है तो वो टीचर को चेंज करेंगे, ठीक है। अब बात आती है, ये तो सुधार वाली बात हो गई, अब विकास संभव। जब आप एक टीचर अच्छा पढ़ाएगा, अच्छा समझाएगा, तो नेचुरल सी बात है कि बच्चे का विकास तो होगा ही होगा। जब बच्चा अच्छी प्रकार से अधिगम करेगा तो विकास होना उसका नेचुरल है। आई बात समझ में? नेक्स्ट जो हमारा बिंदु बनेगा वो बनेगा शिक्षण का मापन किया जा सकता है। शिक्षण का मापन किया जा सकता है, ठीक है। आपने कोई विषय वस्तु पढ़ाई, अध्यापक ने कोई विषय वस्तु पढ़ाई, उसके बाद क्या होता है? उसका मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है ना भाई। एक टेस्ट ली जाती है, एक टेस्ट सीरीज बनाई जाती है, क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं विषय वस्तु पढ़ाने के बाद। जब हमको लगता है कि बच्चे ने जब बच्चे हमें अधिक आंसर देते हैं या फिर हम कोई टेस्ट लेते हैं, रिटर्न में अच्छे नंबर आते हैं, तो हमारा निश्चित ही आकलन हो जाता है, मापन हो जाता है कि बच्चे ने अच्छे प्रकार से शिक्षण कार्य किया, हम जो अध्यापक ने शिक्षण करवाया बहुत अच्छे से करवाया और बच्चे ने अधिगम भी ठीक प्रकार से किया है, तो शिक्षण का मापन किया जा सकता है। ठीक है बेटा, आगे जो हमारे शिक्षण बिंदु बनेगा वो बनेगा शिक्षण जीवन की तैयारी का
साधन है। समझो इसको, शिक्षण जीवन की तैयारी का साधन है। ठीक है, अब आपने जब शिक्षण किया है तो उसका उद्देश्य, तो मैंने आपको बताया शिक्षण क्या उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, तो शिक्षण में आपने उद्देश्य रखा। ठीक है, अब आप जब अच्छे प्रकार से शिक्षण करते हो और अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हो, अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हो, तो जीवन की तैयारी का साधन बनता है, नहीं बनता है? जब आपने अच्छे से शिक्षण किया है, अच्छे से अंकों से आपने क्लास पास किए, आप इंटर आपने हर ज्ञान को अच्छे से ग्रहण किया है, हर चीज़ की नॉलेज आपको प्राप्त हुई है, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, जीवन की तैयारी का साधन बन गया। जब आप इतने सक्षम हो तो आपको भविष्य में कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी, आप अपने जीवन को आसानी से आगे बढ़ा सकते हो, अपने जीवन जीवन यापन को, या फिर आपने शिक्षण किया है तो अच्छे से शिक्षण ग्रहण किया है, अच्छे आप कोई सर्विस में लग जाओ या फिर कोई भी कार्य करो, कोई ऐसी नॉलेज आपने ग्रहण की है, तो वो क्या है, जीवन की तैयारी का साधन है। तो कहीं ना कहीं जब बच्चा पढ़ता है, एक टीचर की नज़र में भी बच्चा आता है, परिवार की नज़र में भी आता है, पड़ोस की नज़र में भी आता है, जो अच्छे नंबरों से पास हो रहा है, इंटेलिजेंट है, हर बार उसके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, पढ़ाई पर ध्यान देता है, तो कहीं ना कहीं सभी आकलन भी करने लग जाते हैं कि ये बच्चा आगे जाकर कुछ ना कुछ बनेगा, इसकी अन्य बातों में कहीं ध्यान नहीं, इसका तो पढ़ाई पर ध्यान है। तो जीवन की तैयारी का साधन है कि इसका आगे जो जीवन है वो सुखमय होने वाला है, इसके अपने जीवन को अच्छे से संभालने वाला है। तो जीवन की तैयारी का साधन क्या है, हमारा शिक्षण है। ठीक है बेटा, आज की जो क्लास है हम यहीं पे समाप्त करते हैं, कुछ बिंदु रह गए हैं, कुछ हमारे टॉप बिंदु रह गए हैं, उनको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इनको कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी आपसे यही विनती है कि हर क्लास को कंटिन्यू देखें, समझें, क्योंकि क्लास मिस करोगे फिर आप एक क्लास छूट जाएगे, उसके बाद दूसरी क्लास को पकड़ोगे बहुत दिन बाद, तो आपका कॉन्सेप्ट कहीं कहीं पीछे छूटता हुआ चला जाएगा। तो हर क्लास को कंटिन्यू, सीक्वेंस को मत छोड़ो, आपने एक क्लास देख ली उसके बाद तुम नेक्स्ट क्लास को बीच में छोड़ दिया फिर अगली क्लास को पकड़ लिया, नहीं, आप कंटिन्यूस में क्लास देखोगे तभी आपको टॉपिक आपका विषय समझ में आएगा। और मेरा मैं दावा करती हूँ आपने सीक्वेंस से क्लास देखी है तो आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, एक और बनना।